एग्जाम्स एक ऐसी चीज है जो आजीवन हमारा पीछा करती रहती है, और अगर आपको लगता है कि आप ही एग्जाम्स देते हैं तो बता दूं कि भगवान को भी एग्जाम्स देने पड़ते हैं। और एग्जाम का सब्जेक्ट क्या था? तभी अचानक एक फायरवॉल प्रकट होता है, धधकता हुआ, भभकता हुआ एग्जाम। हाय 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 यार, कैसा है ना परीक्षा, सुनते ही पसीने छूट जाते हैं। मोटी किताबें, उससे भी मोटी गाइड बुक्स, सैंपल पेपर्स, प्रैक्टिस नोटबुक्स, थके हुए पेंसिल की चोंच, रगड़े हुए इरेजर, एग्जामिनर का फूला हुआ गुस्सेल चेहरा और माँ बाप की शक्ल पे स्ट्रेस के मैप्स। आई नो यही सब याद आता है आपको भी और मुझे भी। एग्जाम्स एक ऐसी चीज है जो आजीवन हमारा पीछा करती रहती है, पर एग्जाम्स सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं देते, सब देते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप ही एग्जाम्स देते हैं तो बता दूं कि भगवान को भी एग्जाम्स देने पड़ते हैं, और वो भी घमासान टाइप के। एक एग्जाम की कथा है मेरे पास, जिसमें दो भगवान ने एग्जाम दिया तो था पर पास केवल एक ही हुए थे। ये कौन सा एग्जाम था, कौन से भगवानों ने एग्जाम दिया था, सिलेबस क्या था और फेल कौन हुए, एग्जामिनर कौन थे? एग्जाम की कथा सुनने को तैयार हो तो भाई सबसे पहले आराम से नाम लिखेंगे, ध्यान से स्पेलिंग ठीक करके, कथाकार देव। और ये है कथाकार, वो कहानियां जो शायद सिलेबस की किताबों में छुपी रह गई हो। कथाकार देव के साथ सिर्फ अनकट पर। हाँ, तो एग्जाम देने वाले छात्रों के नाम थे ब्रह्मा और विष्णु, और एग्जाम का सब्जेक्ट क्या था? तो हुआ गोज यों कि एक बार प्रजापति ब्रह्मा और भगवान विष्णु में आर्ग्यूमेंट छिड़ गई कि भाई दोनों में श्रेष्ठ या बेस्ट कौन है, बताइए। व्हाट अ डिवाइन डिबेट। ब्रह्मा ने कहा, ये जो पूरे ब्रह्मांड, पूरा कॉस्मोस जो आप देख रहे हो, इसके रचयिता हम हैं, जगर हम नहीं क्रिएट करते तो मजा ही नहीं आता। इस पे विष्णु ने कहा, भाई देखो वो सब तो ठीक है, पर ये जो सब कुछ जो बड़े अच्छे से चल रहा है, जो इनको मेंटेन करने का काम है, ये तो हम ही करते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो समूचे सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो इस लेवल पर ब्रह्मा और विष्णु के बीच में आर्ग्यूमेंट जो है वो चल रहा था। दोनों के तर्क थे तो बड़े सॉलिड, किसी की क्लियर विनिंग के चांसेस लग नहीं रहे थे। तभी अचानक एक फायरवॉल, कंप्यूटर वाला नहीं, प्रकट होता है, धधकता हुआ, भभकता हुआ ज्योतिर्लिंग। दोनों सोच में पड़ गए, आए ये क्या चीज है भला है। तभी ब्रह्मा को एक आइडिया आया, उन्होंने विष्णु से एक बैटल लड़ाया कि उन दोनों में सबसे पहले जो उस फायरवॉल का स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट पहले देख लेगा, जीत उसी की होगी। और तो और, दूसरे को पूरे ब्रह्मांड के सामने नतमस्तक होकर मानना पड़ेगा कि सामने वाला महान है। भगवान विष्णु ने बेट एक्सेप्ट कर लिया। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंज। तो फिर क्या था, प्रजापति ने धरा राजहंस का रूप, रॉयल स्वान, और ऊपर उड़ने लगे इन द होप ऑफ फायरवॉल का एंड पॉइंट जो उनको दिख जाए। वहीं विष्णु जी ने धारण किया वराह रूप, वाइल्ड बोर, और जमीन खोदते हुए फायरवॉल के स्टार्टिंग पॉइंट को ढूंढने निकल पड़े। निकल तो पड़े मगर बहुत टाइम चला गया, बड़े साल बीत गए साहब, दोनों खोजते ही रहे पर ना स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा ना एंड पॉइंट। ब्रह्मा और विष्णु दोनों काफी थक गए थे, हैं? मतलब एग्जाम का सिलेबस जो है आप समझ रहे हो, पूरा आउट ऑफ सिलेबस था, काफी टफ। तभी उसी समय ब्रह्मा को उड़ता हुआ केतकी फूल दिखा। उन्होंने अपना पूरा बेट जो है वो केतकी को समझाया और पूछा कि क्या वो ब्रह्मा के विटनेस बनकर ऐसा कहने को तैयार हैं कि उन दोनों ने उस फायरवॉल का एंड पॉइंट देखा है, समझ रहे हो? हे भगवान, भगवान ने लिया झूठ का सहारा। तो फिर ब्रह्मा और विष्णु फाइनली थक हार के अपने मीटिंग पॉइंट पर वापस आते हैं, पर ब्रह्मा खुश नजर आ रहे थे। ब्रह्मा ने केतकी को चश्मदीद गवाह के तौर पे पेश करके कहा कि मिलॉर्ड, ये बेट उन्होंने जीत लिया है, उन्होंने फायरवॉल का एंड पॉइंट देख लिया है। इस पर विष्णु ने अपनी हार मान ली और ब्रह्मा को ग्रेटेस्ट भी मान लिया। तभी एक विस्फोट होता है और उस ज्योतिर्लिंग से बाहर निकलते हैं एंग्री यंग शिवा। भगवान शिव काफी गुस्से में नजर आ रहे थे कि भैया महान बनने के चक्कर में ब्रह्मा तुमने झूठ कैसे बोल दिया है। आप समझे, एग्जामिनर थे भगवान शिव और फेल हो गए ब्रह्मा जी।
पर इतने अपसेट थे कि एग्जामिनर शिव ने ब्रह्मा और केतकी दोनों को फेल तो कर ही दिया मगर माइनस मार्किंग भी कर दी। उन्होंने अनाउंस किया कि केतकी फूल को शिव आराधना में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ब्रह्मा जी के झूठ की वजह से उनकी पूजा नहीं की जाएगी। शायद तभी ब्रह्मा का केवल एकमात्र मंदिर है पुष्कर में। तो भैया आज हमने क्या सीखा, यही कि चीटिंग से महान बनना या सक्सेसफुल बनना उतना ही डेंजरस है जितना बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग बनाना। अब आप समझदार हैं, बाकी खुद ब खुद समझ जाएंगे। और कथाकार में ऐसी कथाएं और सुनना चाहते हो तो फटाफट अनकट को सब्सक्राइब कर लो। अंटिल नेक्स्ट टाइम।